हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अमन गुप्ता। तो आज मैं एक नया ब्रांड जो हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ था उसकी एक गाड़ी का रिव्यू करने, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा ये कौन सा ब्रांड है और कौन सी गाड़ी है। वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर से दबा देना। तो मिलते हैं गाड़ी के साथ में। Few moments later. तो ये है सिट्रॉन का C3। सिट्रॉन C3 का ये आपको जो सिग्नेचर लोगो है सेंटर में दिखने को मिल जाता है, कुछ ऐसे फ्रंट ग्रिल के साथ में गाड़ी आती है। ये सिट्रॉन C3 का टॉप मॉडल है। हैलोजन हेडलाइट्स एंड हैलोजन फॉग लैंप आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं टॉप मॉडल में, एंड कुछ ऐसे LED DRL के साथ में गाड़ी आती है। फ्रंट से दिखने में काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी बल्की सा लुक गाड़ी का नज़र आता है। ड्यूअल टोन एक्सटीरियर के साथ में ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इंडिकेटर आपको फेंडर पे देखने को मिलता है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो नॉर्मल आपको स्टील रिम का इसमें यूज़ किया गया है, अलॉय व्हील्स आपको इस मॉडल में देखने को नहीं मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 195/65 R15 के टायर प्रोफाइल के साथ में ये गाड़ी आती है। साइड में ये ऑरेंज एलिमेंट बड़ा ही अच्छा सा दिख रहा है। की नोब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साइड से देखने में भी गाड़ी काफ़ी एक मिनी SUV सा लुक देती है आपको। रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है, आगे की साइड में आपको नॉर्मल एंटीना देखने को मिलता है। सेंटर में आपको सिट्रॉन का बैजिंग देखने को मिल जाता है। राइट हैंड साइड पे आपको C3 का लोगो देखने को मिल जाता है मॉडल का। रियर साइड में आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। नीचे के साइड में रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। टेल लैंप्स आपको हैलोजन में ही देखने को मिलते हैं, ऑल LED टेल लैंप्स के साथ में नहीं आती है ये गाड़ी। फ्यूल लिड आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिल जाता है। तो कुछ ऐसे ओवरऑल एक्सटीरियर प्रोफाइल के साथ में ये गाड़ी आती है। देखने में काफ़ी ही छोटी मिनी SUV टाइप की ये गाड़ी दिखने में नज़र आती है। गाड़ी के इंजन स्पेक्स की बात की जाए तो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर 4 वॉल्व आपको पेट्रोल इंजन इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है, जो आपका 109 BHP पावर एंड 190 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में ये गाड़ी आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको मैनुअल 6-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। गाड़ी के डायमेंशंस की बात की जाए तो ओवरऑल जो गाड़ी का लेंथ है वो 3981 का आपको लेंथ देखने को मिल जाता है। गाड़ी के हाइट की बात की जाए तो 1586 का हाइट देखने को मिलता है। गाड़ी के विड्थ की बात की जाए तो 1733 का आपको गाड़ी का विड्थ देखने को मिलता है। और गाड़ी के व्हील बेस की बात की जाए तो 2540 का व्हील बेस देखने को मिलता है। बात करें गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की तो 180 का आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। गाड़ी के कब वेट की बात की जाए तो 1035 kg का आपको गाड़ी का कब वेट देखने को मिलता है। बूट ओपन करने के लिए आपको नीचे के साइड में ही बटन मिल जाता है। गाड़ी के बूट स्पेस की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा गाड़ी के हिसाब से आपको 315 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। एक पार्सल ट्रे आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो 30 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में ये गाड़ी आती है।
ब्रेकिंग की बात की जाए तो फ्रंट में आपको डिस्क एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो 80 किलोमीटर पर आवर का जो आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी वार्निंग होता है वो वार्निंग बीप वार्निंग मिल जाता है। स्टैंडर्ड दो एयरबैग्स के साथ में आपको एक गाड़ी मिलती है जिसमें ड्राइवर और पैसेंजर साइड आपको एयरबैग्स मिल जाता है। सीट बेल्ट वार्निंग भी मिल जाता है। तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल सेफ्टी फीचर्स नहीं है, जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं वही आपको इसमें मिलते हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो ABS EBD आपको देखने को मिल जाता है। ब्रेक असिस्ट और ESP हिल होल्ड कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल वो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलते हैं। चलिए बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। डोर हैंडल्स आपको नॉर्मल डोर हैंडल्स यहाँ पे मिलते हैं। इंटीरियर की बात करें तो ड्राइवर साइड गेट पे आपको साइड में एडजस्टेबल के लिए नोब मिल जाता है। पावर विंडो कंट्रोल आपको ड्राइवर साइड गेट पे मिल जाते हैं। नीचे के साइड में एक स्पीकर बॉटल होल्डर एंड एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। ड्राइवर सीट की बात करें तो हाइट एडजस्टमेंट के साथ में आपको ड्राइवर सीट देखने को मिल जाती है इसकी। गाड़ी का इंटीरियर और गाड़ी का वेट और जो गेट का आवाज़ है वो अच्छा खासा आपको हैवी देखने को मिलता है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी महसूस होती है, बट इसका ग्लोबली कोई NCAP रेटिंग अभी तक आया नहीं है। बात करें गाड़ी के इंटीरियर की तो कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है जिसमें सेंटर में सिट्रॉन का लोगो है। लेफ्ट हैंड साइड आपका ब्लैंक है। राइट हैंड साइड पर आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कीनोवा आपको राइट हैंड साइड पर मिल जाता है। ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ में ये गाड़ी आती है जिसमें आपको फ्यूल एवरेज फ्यूल कंजम्पशन एवरेज स्पीड डिस्टेंस टू एम्प्टी क्लॉक वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायर्ड के साथ में आपको ये मिल जाता है। काफ़ी बड़ा सा 10 इंच का आपको स्क्रीन साइज देखने को मिल जाता है। टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है, बुरा नहीं है। टच रिस्पॉन्स भी अच्छा, एक गाड़ी के हिसाब से बहुत अच्छा टच रिस्पॉन्स दिया है। फुल टच डिस्प्ले के साथ में गाड़ी आती है। 4 स्पीकर सिस्टम के साथ में एक गाड़ी आती है जिसमें चारों ही गेट में आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। AC वेंट्स का डिज़ाइन भी कुछ अच्छा और यूनिक सा AC वेंट्स का डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे आपको एक अलग सी ही फिनिशिंग दी गई है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो कुछ बहुत ही अच्छा बड़ा ग्लव बॉक्स दिया गया है। अंदर तक पूरा आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। अच्छा डिज़ाइन किया गया ग्लव बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टोरेज मिल जाता है, की वगैरह या कुछ छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। ऊपर की साइड डैशबोर्ड भी बड़ा अच्छा मतलब एक पोजीशन में दिया गया है। डैशबोर्ड पे भी आप छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। IRBM आपको कोई सेटिंग के साथ में नहीं मिलता है, नॉर्मल IRBM आपको देखने को मिलता है। केबिन लाइट सेंटर में हैलोजन लाइट्स के साथ में आती है। सनशेड में आपको वैनिटी मिरर आपको सिर्फ पैसेंजर साइड में ही देखने को मिलता है। नीचे की साइड की बात की जाए तो AC कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। हैजार्ड स्विच, एक USB केबल का स्विच एंड एक 12 वाट का पावर सॉकेट आपको यहाँ मिल जाता है। एक स्टोरेज यहाँ पे मिल जाता है, एक स्टोरेज आपको नीचे की साइड में मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। ये आपको एक बड़ा ही प्यारा सा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर नॉब मिल जाता है जिसमें एक रिवर्स गियर है। तो बहुत ही अच्छा सा कूल सा आपको एक गियर नॉब देखने को मिलता है, बहुत ही प्रीमियम सा लगता है। यहाँ पे नीचे की साइड में बहुत डीप स्पेस दिया गया है। इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करके अच्छे से डिज़ाइन करते तो इतना डीप नहीं जाता, क्योंकि अगर इसको हैंड ब्रेक को नीचे करेंगे तो और नीचे चला जाएगा। सेंटर में आपका हैंड ब्रेक देखने को मिलता है। उसके पीछे ही हैंड ब्रेक के सेंटर में ही यहाँ पे आपको रियर पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। पीछे की साइड में फिर एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। तो स्टोरेज काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। दोनों गेट्स में आपको ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड पावर और विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं और आपको एक बॉटल होल्डर स्पीकर सारे सिस्टम मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ में मिल जाता है। गाड़ी के की बात की जाए तो बहुत ही बेसिक सा की आपको देखने को मिलता है जिसमें आपको सेंटर लॉकिंग सेंटर अनलॉकिंग मिल जाता है और एक इतना बड़ा सारा एक लंबा सा की देखने को मिलता है। 8-way मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में इसको आपको ड्राइवर सीट देखने को मिल जाता है। फ्रंट पैसेंजर सीट में आपको 6-way मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ में मिल जाता है जिसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। गाड़ी के रियर सीट स्पेस की बात की जाए तो रियर में आपको रियर गेट में भी आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर है आपको। रियर सीट विड्थ की बात की जाए तो अच्छा रियर सीट विड्थ देखने को मिलता है जिसमें मेरे हिसाब से 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। लेगरूम की बात की जाए तो आगे वाली सीट जो थी मैंने पूरी ही पीछे कर रखी थी, उसके बाद भी मुझे अच्छा खासा नी रूम देखने को मिलता है। ये लेगरूम थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि पूरी पीछे थी। अगर इसको ड्राइवर हाइट के हिसाब से भी एडजस्ट करें, मेरे हिसाब से अगर मैं एडजस्ट करूँ तो उसके बाद भी मुझे अच्छा खासा इसमें लेगरूम एंड नी रूम
देखने को मिल जाएगा। जैसे आप ये इस साइड वाली में देखेंगे तो अच्छा खासा आपको लेगरूम एंड नी रूम देखने को मिल रहा है। रियर पावर विंडो कंट्रोल यहाँ आगे फ्रंट की साइड में ही दिए गए हैं, सेंटर में एक छोटा सा कप होल्डर रियर के लिए भी देखने को मिल जाता है। रियर के लिए भी आपको दो पीछे USB चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाते हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है आज के टाइम के लिए। रियर में आपको हेडरेस्ट जो मिलते हैं वो एडजस्टमेंट के साथ में नहीं मिलते हैं, फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं आपको। पीछे की साइड में आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है। पीछे की साइड में कोई आपको केबिन लाइट नहीं मिलती है, केबिन लाइट आपको फ्रंट में ही है। ग्रैब हैंडल की बात करें तो रियर में आपको दोनों साइड मिल जाते हैं, आगे की साइड कोई भी ग्रैब हैंडल देखने को नहीं मिलता है। रियर से देखने में आगे का लुक कुछ इस तरह का प्रीमियम से नज़र आता है। जो 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है वो काफ़ी दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। बात करें गाड़ी के प्राइजेस की तो इसका जो बेस मॉडल है लिव 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, वो आपको 5.9 लाख एक्स शोरूम प्राइस के साथ में देखने को मिल जाता है। टोटल 7 वेरिएंट्स में गाड़ी आती है, 5.98 लाख के एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट हो गए। जो इसका टॉप मॉडल है फील 1.2 टर्बो वाइव ड्यूल टोर एक्सटीरियर के साथ में, वो आपको 8.25 लाख एक्स शोरूम प्राइस के साथ में पड़ता है। ऑन रोड प्राइस स्टेट वाइज वेरी करते हैं, इसके लिए मैं कभी ऑन रोड प्राइस नहीं बताता हूँ। तो ये था सिट्रॉन C3 का एक बेसिक फीचर्स रिव्यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर से दबा देना। शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिट्रॉन की किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप शोरूम को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।